नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप आईएएस में। तो ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम बॉडीज इन न्यूज़ एंड पॉलिटी जनरल ये टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर रिवीजन सीरीज़ में। फरवरी से लेकर अप्रैल तक मंथ का ये करंट अफेयर रिवीजन का दूसरा वीडियो है, यानी कि 3 मंथ का करंट अफेयर केवल एक वीडियो में आप कर रहे हैं। ये 2 वीडियो में आपका 3 महीने का करंट अफेयर पूरा पूरा हो जा रहा है, यानी कि टोटल 1 घंटा आपको देना है और 3 महीने का करंट अफेयर केवल एक वीडियो में और एक पीडीएफ में। तो आपको पीडीएफ अगर चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर हम लोग पीडीएफ इसका शेयर कर रहे हैं, तो काइंडली वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ ले लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े रहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स सारे हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ही देते रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। समीक्षा सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हो रहा है, डेली बेसिस पे एमसीक्यू हम लोग लेके आ रहे हैं रोज सुबह मॉर्निंग लाइव, और मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके लिए जल्दी आ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो है सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं, ट्यूटोरियल डिस्कशन हम लोग लेके आ रहे हैं, एथिक्स की क्लासेस जल्दी ही आ रही है। तो बने रहिए टीम आप आईएएस के साथ, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे तो हमें शेयर और लाइक कर ही दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टीम आप आईएएस ने अनाउंस किया है प्रीलिम्स 2021 का मेंटरशिप बैच, जिसमें 499 में हम आपको पर्सनल मेंटरशिप डेली बेसिस पे गाइडेंस और टारगेट के साथ आपका यूपीएससी का पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो आइए जुड़िए टीम आप आईएएस के साथ, और डेफिनेटली वी एश्योर यू दैट यू विल गेट सक्सेस विद अस। और आपकी पूरी पूरी प्रीलिम्स मेंटरशिप हम लोग करने वाले हैं वाया जूम कॉल, वाया वीडियो कॉल्स, वाया डेली टारगेट्स, और डेली बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस भी ट्रैक किया जाएगा। तो प्रीलिम्स का एनालिसिस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पहली वीडियो पे, कि जो है पॉलिटी से लगभग आपके कुल मिला के पॉलिटी की अगर बात करें तो टोटल अभी तक 14 से लेकर 21 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन इन एवरेज आपके पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स उसमें मेजर रोल प्ले करता है, तो करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यूपीएससी का हुआ हम लोगों को बिल्कुल नहीं रखना है, यूपीएससी का हुआ जो है टोटली हमें डिमिस्टिफाई करते हुए, यूपीएससी केवल हुआ है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है, बजाय इसके कि क्या पढ़ें ये पता होना चाहिए कैसे पढ़ें। तो यही लेके हम आए हैं, और टॉपिक जो भी डिस्कस होने वाले हैं वो 3 तरीके से हमने डिवाइड कर दिए थे। पहले टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, सारे एक्टिव न्यूज़ 3 महीने के पूरे पूरे 40 मिनट की वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। तो बॉडीज इन न्यूज़ और पॉलिटी जनरल आज की वीडियो के टॉपिक्स हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये फंक्शन किसके अंदर करती है? ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, अर्थ मिनिस्ट्री के अंदर बिल्कुल नहीं है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। अब बात करते हैं सीबीसी की। सीबीसी क्या है? सीबीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसे बोलते हैं, और ये कंसिस्ट करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अलॉन्ग विद 2 विजिलेंस कमिश्नर। इनका टर्म क्या होता है? ये 4 साल का होता है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो विजिलेंस कमीशन का काम क्या है? तो इट इज़ एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। तो आपको ये याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से क्रिएट की गई है, जिसे 1964 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो यानी कि सीबीसी क्या है? कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये सबमिट रिपोर्ट किसको करती है? ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है कि ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है। अब तो देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिमूवल की क्या प्रोसेस है? ये रिमूव किया जाएगा बाय सुप्रीम कोर्ट। कब? ओनली बाय अ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, जब जिसमें कि ये लिखा गया हुआ क्लियरली कि ही इज़ बीन प्रूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इसका रेफरेंस किसके द्वारा दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इसका रेफरेंस देगा प्रेसिडेंट को, और ऑर्डर पास कौन करेगा? प्रेसिडेंट, कि जो है ओके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज हेयर बाय रिमूव। तो कुल मिला के प्रोसेस क्या है रिमूवल की? सुप्रीम कोर्ट पहले एक रेफरेंस में देगा प्रेसिडेंट को कि ही इज प्रूविंग मिसबिहेवियर एंड ही इज इनकैपेबल ऑफ दैट पोस्ट। तो प्रेसिडेंट इसका लिए एक ऑर्डर निकालेंगे और सीबीसी जो है टोटली रिमूव हो जाएगा। और सिलेक्शन कमेटी क्या है इसके बारे में एम लक्ष्मीकांत से पढ़िए, ये करंट का नहीं स्टैटिक का पूरा पार्ट है, बट क्योंकि न्यूज़ में था इसलिए आप आइए इसने कवर कराया है। तो अब बात करते हैं सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन की। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये क्लियर कर दिया है सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के द्वारा, तो टू नियरली ट्रिपल द पे एंड अलाउंस ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशियरी, वो सभी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए प्रोएक्टिवली। तो कमीशन जो है वो 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस, और इसमें जो है आर्टिकल नंबर 32 द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का जो है यूज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, जिस इसको जो है हेड किया गया था फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और पी और जस्टिस पी वेंकट राम रेड्डी के द्वारा। अब इसके अलावा देखिए, जो फर्स्ट जुडिशियल पे कमीशन था वो कंस्टिट्यूट किया गया था 1996 में, जो परसुएंट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस उसके बाद।
अब देखिए सेकंड 22nd लॉ कमीशन की बात अभी भी न्यूज़ में है, क्योंकि 22nd लॉ कमीशन भी आया है न्यूज़ में रिसेंटली। तो ये क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका टर्म क्या है, 3 साल का है। इसके अलावा देखिए 21st लॉ कमीशन किसके अंडर में था, जस्टिस BS चौहान और ये स्टेब्लिश किया गया था 2015 में, और इसका टेन्योर क्या है, टेन्योर टिल 2018। जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो स्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश राज के पीरियड में इन 1934 बाय चार्टर एक्ट 1833, और ये प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकेले के द्वारा। जो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था वो क्या था, वो 1955 में आया था, और उसके कौन थे प्रेसिडेंट, उसके प्रेसिडेंट थे मिस्टर MC स्टीवर्ड। और इसके बाद देखिए लॉ कमीशन जो है एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंस्टिट्यूट की जाती है एवरी 3 ईयर्स, और इसका मेजर काम क्या है, टू हैव अ लीगल रिफॉर्म एंड वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो अभी तक जो है लॉ कमीशन ने अराउंड 277 रिपोर्ट सबमिट कर दी है, मगर इंडिया में रिपोर्ट्स आती ही हैं, सबमिट होती हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो आइए आगे बात करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की। तो ये क्या है, ये ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका एम क्या है, ये प्रमोट करती है कॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा ये मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए ये क्या है, ये कंस्टिट्यूएंट है टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल की। इसके अलावा एक गवर्नमेंटल बॉडी भी है जो इसकी फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। तो ग्राम न्यायालय कहाँ से आए, ग्राम न्यायालय आए ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से। तो प्रेजेंटली 11 स्टेट्स ने जो है ग्राम न्यायालय को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। तो मगर अभी देखिए ग्राम न्यायालय क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसी वजह से ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में था। तो जो ग्राम न्यायालय है वो एवरी पंचायत में जो है इंटरमीडिएट लेवल पे जो है एस्टेब्लिश किया जाना है, जिसमें जो है आपका कंटिजुअस पंचायत के पीपल होंगे। इसके अलावा देखिए इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे कंसल्टेशन किया जाएगा हाई कोर्ट से, जो नोटिफाई करेगा बाउंड्रीज ऑफ द एरियाज अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ ग्राम न्यायालय। इसके अलावा देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो अपॉइंट करेगी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसे कहा जाएगा न्यायाधिकारी फॉर द ग्राम न्यायालय, इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, हु विल बी पर्सन टू एलिजिबल टू अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसके अलावा देखिए ग्राम न्यायालय जो है उसके पास कौन कौन सी पावर होगी, बहुत सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होगा। इसके अलावा ये जो है ऑफेंसेस ऑफ शेड्यूल वन और शेड्यूल टू दैट आर नॉट पनिशेबल विद डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म ऑफ 2 ईयर्स अंडर ऑफेंसेस ऑफ स्टेट एंड ऑफेंसेस रिलेटेड टू सेंट्रल एक्ट और सिविल प्रॉपर्टी सूट्स जो है उनको जो है टोटली डील करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो अमेंड किए गए हैं बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक अपील जो है अगेंस्ट जजमेंट ऑफ क्रिमिनल केस जो है वो सेशन कोर्ट में लाई जा सकती है, मगर जब सिविल केस होगा तो अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई जाएगी, और अपील के लिए जो है अपील मस्ट बी डिस्पोज विद इन द 6 मंथ। इसके अलावा देखिए जो प्राइमरी फोकस है ग्राम न्यायालय का वो क्या है, टू ब्रिंग कंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज। अब ग्राम न्यायालय जो है वो एविडेंस एक्ट के द्वारा बाउंड नहीं है, एविडेंस एक्ट 1872, और ये गाइडेड होते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और ये सब्जेक्ट हैं टू द रूल्स दैट आर मेड बाय हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं लोकपाल की। तो लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टीट्यूशन और मैकेनिज्म है एज एन एंटी करप्शन ओम्बड्समैन। तो ये अराउंड 50 ईयर्स से है, और बट कॉन्सेप्ट तो ये 50 ईयर अराउंड से आ रहा है, बट इट वॉज एनेक्टेड एज अ लॉ इन 2020 अंडर द लोकायुक्त एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 आफ्टर द प्रोटेस्ट ऑफ अन्ना हजारे। तो इसमें होता क्या है, एक सर्च कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है नेम ऑफ पैनल टू हाई पावर सिलेक्शन कमेटी। हाई पावर सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन कंप्राइज होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी और एक एमिनेंट जूरिस्ट। आपको ये याद रखने हैं, PM लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक एमिनेंट जूरिस्ट। तो ये सिलेक्शन पैनल जो होता है वो नेम शॉर्टलिस्ट करता है कंसिस्टिंग ऑफ नेम्स फॉर द पोस्ट ऑफ लोकपाल और चेयरमैन एंड जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर्स, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लोकपाल के ही बारे में कुछ और जानकारियाँ जानते हैं। तो अब देखिए इंडिया के जो फर्स्ट लोकपाल हैं उन्हें अपॉइंट किया गया जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी को। तो लोकपाल के जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो ये लोकपाल का जो जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी वाइड है। तो अगर लोकपाल को कोई भी
कंप्लेन की जाती है कि देर आर एलिगेशन ऑफ करप्शन, तो ही कैन इंक्वायर इवन फॉर द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज ऑफिशियल्स ऑफ ग्रुप ए बी सी डी सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी को इंक्वायर करने की पावर जो है लोकपाल के पास होती है। इसके अलावा चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर्स, डायरेक्टर ऑफ एनी बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑटोनॉमस बॉडीज एट्सेट्रा जितनी भी है वो हैं वो सभी लोकपाल के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा देखिए अगर कोई सोसाइटी या ट्रस्ट है जो कि 10 लाख से ऊपर की फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है तो उसके ऊपर भी लोकपाल को जांच करने का पूरा पूरा अधिकार आ जाता है। सो लोकपाल, इसके अलावा देखिए एक एक्सेप्शन लोकपाल के केस में क्या है कि लोकपाल जो है एलिगेशंस की इंक्वायरी ऑन प्राइम मिनिस्टर नहीं इंक्वायर कर सकता, कब, जबकि मामला जो है रिलेटेड हो इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से रिलेटेड। और इस केस में क्या होता है, जब तक बेंच जो कि लोकपाल, चेयरमैन और सभी मेंबर्स, अब इस केस में क्या होता है, जब तक कि एक कमेटी जिसमें कि लोकपाल होता है, चेयरपर्सन होता है और सभी मेंबर्स एक रिजोल्यूशन ही पास कर लेते हैं रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ द प्रूफ, जिसमें कि टू एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स को उस रिजोल्यूशन को अप्रूव करना होगा और जो भी ये हियरिंग होगी उसको कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड सेशंस होने चाहिए और इससे जो भी रिजल्ट निकले दे शुड बी पब्लिश एंड मेड पब्लिकली अवेलेबल टू एवरी वन। अब इसके अलावा देखिए कंप्लेन जो है लोकपाल एक्ट में वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए टू द ऑफिस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, तभी जाके लोकपाल इनिशिएट करेगा द एंटी करप्शन के ऑफेंसेस के अंदर जो कार्रवाई होगी। इसके अलावा देखिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंप्लेन कौन कर सकता है और जब कंप्लेन लोकपाल को रिसीव होती है तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेटअप की जाती है लोकपाल के द्वारा वाया इंक्वायरी विंग, जो कि इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक डिटेल रिपोर्ट जो है सबमिट करती है। और इस इन्वेस्टिगेटिंग विंग में सीबीआई के भी ऑफिशियल्स होते हैं। जो इंक्वायरी विंग होती है वो पूरी कंप्लीट इंक्वायरी करने के बाद जो है डिटेल्ड रिपोर्ट लोकपाल को लगभग 60 दिनों में देनी उसको कंपलसरी होती है। इसके अलावा देखिए जो रिपोर्ट होता है उसमें ये नहीं कि एक तरफा बात सुनी जाएगी बट पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक सर्वेंट और जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उन सभी से जवाब मांगा जाता है बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं लोकसभा में तो उनके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए लोकसभा है और इसके अलावा देखिए मिनिस्टर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर है और डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के लिए मिनिस्टर कंसर्न जो है वो जवाबदेह रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिशियल पे एलिगेशन लगता है तो जवाबदेही मिनिस्टर की भी होगी, बोथ विल बी लाइबल टू गिव आंसर टू द लोकपाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एनसीबी की, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुई थी। तो नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो कहाँ से बना था, तो एनडीपीएस एक्ट 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जो है एनेक्ट किया गया था टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ नारकोटिक्स। तो ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है पेनल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स। इसके अलावा देखिए एनसीबी क्या है, एक एपेक्स बॉडी है और इंटेलिजेंस एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है फाइटिंग फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, अब्यूज एंड इलीगल सब्सटेंस इन इंडिया। इसके अलावा देखिए एनसीबी क्या है, एनसीबी प्रोवाइड करती है रिसोर्स ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग ऑफ इंडियाज ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जितनी भी इंडिया की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है उनकी ट्रेनिंग का भी जो जिम्मा है वो एनसीबी के पास है। इसके अलावा एनसीबी क्या मॉनिटर करती है, जितने भी स्मगलिंग पॉइंट्स हैं उनको भी ट्रैक डाउन करती है। एनसीबी का अगला काम क्या है, एनसीबी का जो है नेशनल हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में सिचुएटेड है और ये एफिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। इसके अलावा देखिए अगली बॉडी को देखते हैं, अगली बॉडी है सीडीएसओ। तो सीडीएसओ किसके अंदर आती है, सीडीएसओ आती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो सीडीएसओ का काम क्या होता है, सीडीएसओ अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, लिंग फॉर स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा स्टेट सीडीएसओ जो है स्टेट रेगुलेटर्स को जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल बनाती है और दोनों साथ में मिलकर लाइसेंस ग्रांट करते हैं फॉर स्पेशलाइज कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल ड्रग्स लाइक ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, आईवी फ्लूइड्स, वैक्सीन और सीरा। इसके अलावा देखिए अगली बॉडी आ जाती है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, यानी कि नीरा। तो नीरा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग बॉडी है जो एक्सक्लूसिव बॉडी है टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ वाटर लिंकिंग्स इन इंडिया। तो ये बॉडी को क्या टास्क दिया गया है कि बोथ स्टेट
इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इन सबको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी इसके पास है, नीरा के पास। इसके अलावा ये अरेंजमेंट करती है फॉर जनरेटिंग फंड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है फिलहाल इसके प्रपोजल्स बनाने के लिए, लिंकिंग ऑफ रिवर्स के जितने भी प्रपोजल्स होते हैं वो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं और नीरा द्वारा उन्हें एग्जीक्यूटिव किया जाता है। इसीलिए इसको बोला गया है कि एक्सक्लूसिव बॉडी फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ वाटर लिंक। तो अगले उसमें चलते हैं, अब बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। तो देखिए, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल को पहले कहते थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था कौशाली हिमाचल प्रदेश में 1909। तो NICD का को ट्रांसफॉर्म किया गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल में, टू मैंडेट, इसका मैंडेट क्या है, टू कंट्रोल इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीजेज इन 2009। और अब पूरी नेशनल लेवल एजेंसी ये बन चुकी है और नोडल एजेंसी बन चुकी है पूरी कंट्री के डिजीज सर्विलांस में, और फैसिलिटेट करती है प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसके अलावा देखिए, ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड मैनपावर फॉर पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी साइंस एंड एंटोमोलॉजिकल सर्विसेज, और जितनी भी रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं और अप्लाइड एक्टिविटीज हैं उनके लिए। अब देखिए, ये इंस्टीट्यूट है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DGCA हेल्थ सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे सेट है, हेडक्वार्टर्स, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब देखिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में जानते हैं, तो ये इस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 2006 में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये वर्क करती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर, और ये पॉलिसी प्लान्स और गाइडलाइंस ले करती है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और अभी प्रेजेंट में हमारे पास 12 बटालियंस हैं जो कि डिप्लॉयड हैं स्ट्रेटेजिकली अक्रॉस द कंट्री, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स, और 4 बटालियंस जो है अभी रिसेंट में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा और सेंक्शन कर दी गई हैं, और ये ओनली डेडिकेटेड है फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे इंडिया में ही एकमात्र नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है जो केवल और केवल डिजास्टर के लिए ही डेडिकेटेड है। अब बात करते हैं टास्क फोर्स फॉर सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो ये कंस्टिट्यूट की गई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा, ताकि जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं इन सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, उनको जो है इंटीग्रेट किया जा सके इंडिया के प्रोक्योरमेंट में, और जो करंट स्टेटस है सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट का इंडिया का इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है इम्प्रूव किया जा सके और एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जा सके फॉर सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट एक्शन प्लान, और जो रिकमेंड करेगा इनिशियल सेट की किस प्रकार से जो है इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे जो है प्रैक्टिसेस को मीट कर सकता है, इंक्लूडिंग द सर्विसेज एंड स्पेसिफिकेशन वेयर SPP कैन बी इम्प्लीमेंटेड। और करंटली इंडिया में कोई भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉ नहीं है नेशनल लेवल पे जो हमें गाइड करे कि किस प्रकार से जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट होना चाहिए और क्या बिडिंग होनी चाहिए, तो इसी को लेकर टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं पावर टेक्नोलॉजी ग्रुप की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया गया है, जो कि हेड कर रहे हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। इसको मैंडेट दिया गया है टू रेंडर टाइमली पॉलिसी एडवाइस ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैपिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपिंग इंडिजनाइजेशन ऑफ रोड एंड मैप्स। इसके अलावा एम्पावर टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है, तो ये ग्रुप क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा क्रॉस सेक्टर कोलेबोरेशन एंड रिसर्च अलायंसेज विद यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कंपनीज एंड फॉर्मुलेट करेगा स्टैंडर्ड एंड कॉमन वोकैबुलरी टू स्क्रीन प्रपोजल्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है, ये एक 12 मेंबर का ग्रुप है जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोफेसर के विजय रावन, उनके चेयरपर्सन में ये ग्रुप काम करेगा। अब लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2010। LPI जो है सेफ सिक्योर और सिस्टमेटिक फैसिलिटीज फॉर मूवमेंट ऑफ कार्गो वेल पैसेंजर्स इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को जो है ये मैनेज करता है। करंटली LPI की जो बिल्डिंग है वो पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग डेरा बाबा नानक साहेब करतारपुर कॉरिडोर में है। अब देखिए, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पॉसो को, इसको पॉस्को के साथ मिसगाइड मत कीजिएगा, तो इसे क्या है, ये होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो कि नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को रन करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये किस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई, ये इस्टेब्लिश की गई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के द्वारा। इसका कमीशन कंपोजिशन क्या है, इसके चेयरपर्सन हैं और 5 मेंबर्स हैं। इसके अलावा देखिए, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन जो है ये कमिटेड हैं फॉर कॉज ऑफ वुमेन टू नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा देखिए, 5 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमंगस्ट पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग फॉर वुमेन्स। अब देखिए, ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन BOC की बात करते हैं, ये 2017 में सेट की गई थी बाय इंटीग्रेटिंग अर्स्टवाइल डायरेक्टेड एडवर्टाइजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी और डायरेक्टेड ऑफ फील्ड पब्लिसिटी
और सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन तीनों को इंटीग्रेट करते हुए जो है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन BOC जो है वो सेटअप किया गया। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, ये जो है प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस फॉर वेरियस एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। ये इंगेज है इन एजुकेटिंग पीपल बोथ रूरल एंड अर्बन अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स टू इवोक पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा और मैन किया जाता है ऑफिसर्स ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड एक्स कैडर पर्सनल अस्टवाइल DAVP और DFV और SSD जो यानी कि डायरेक्टरेट एडवर्टाइजमेंट ऑफ विजुअल पब्लिसिटी। ये शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप PDF में इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया, तो ये क्या है, ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्टैब्लिश की गई थी 1991 में विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा इसका चेयरपर्सन कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए करंट कोरोना वायरस पेंडेमिक में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया है कि आई टी कंपनीज को जो है HTPI में वेवर दिया जाएगा फ्रॉम मार्च टू जून। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस। तो ये क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सेटअप की गई है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टास्क फोर्स ऑफ ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसकी 51% इक्विटी जो है वो कंट्रीब्यूट की जाएगी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और 49 पब्लिक सेक्टर के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और मेन आइडिया इसका सेटिंग अप के बिहाइंड क्या है, द रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड की बात कर लेते हैं, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एग्जेम्पशंस ऑफ इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज DGPE गाइडलाइन स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ चाबहार पोर्ट के लिए जो है ये इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को जो है पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है। तो IPGL को इंकॉर्पोरेट किया गया था ताकि वो स्पेशल पर्पस व्हीकल जॉइंटली जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और DPT के लिए जो है बनाए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ शहीद BST पोर्ट ऑफ चाबहार इन ईरान। अब देखिए इसके अलावा जेमसन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसका एम क्या है, टू प्रमोट जेम्स एंड इंडस्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया। तो आइए आगे बात करते हैं जनरल टर्म्स की पॉलिटी की। तो अमृता रॉय कमेटी जो है वो ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स रिसेंट में न्यूज़ में है। तो देखिए प्रिजन्स जो हैं वो स्टेट सब्जेक्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी सेटअप की थी 2018 में कि प्रिजन्स में यानी कि जो कारावास हैं उनमें रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन रामामूर्ति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 1996 केस में ये आइडेंटिफाई किया था कि देर आर इमीडिएट प्रॉब्लम्स विच नीड अटेंशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स। इसके बाद क्या हुआ था कि ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सी ह्यूमन राइट इश्यूज आ रहे थे और UN का स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स भी जो है ये सजेस्ट कर रहा था कि मिनिमम फ्लोर स्पेस होना चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए, हीटिंग और वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए जस्टिस अमृता रॉय कमेटी बनाई गई और ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म्स इससे पहले 1980 से 1983 अंडर AN मुल्ला जो है बनाई गई थी टू डेवलप ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस एज अ प्रोफेशनल कैरियर सर्विस, बट उनकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके बाद देखिए मॉडर्न प्रिजन सिस्टम जो है वो किसके द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, वो कंसेप्चुलाइज आज भी जो है 1835 की TB मैकॉले का जो है जेल रिफॉर्म हमारे वहाँ चल रहा है जो भी जेल का सिस्टम है। अब देखिए प्रिजन एक्ट 1894 में जो एनेक्ट किया गया वो यूनिफॉर्मिटी लाता था फॉर वर्किंग ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया और इसके अलावा इसने क्लासिफिकेशन भी किया था प्रिजनर्स का। इसके बाद ऑल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी 1957 से 1959 में बनाई गई जिसने मॉडल प्रिजन मैनुअल जो है वो बनाई। उसके अलावा ऑल इंडिया जेल कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म्स 1980-83 में जस्टिस AN मुल्ला की चेयरमैनशिप में बनाई गई जिसने ये सजेस्ट किया कि नेशनल प्रिजन कमीशन एक बॉडी बनाई जाए जो कि कंटिन्यूइंग बॉडी हो और जो मॉडर्नाइजेशन लाए पूरे प्रिजन में इंडिया में। अब 1987 में गवर्नमेंट ने जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी भी बनाई थी टू अंडरटेक स्टडी ऑफ सिचुएशन ऑन वुमेन इन प्रिजनेंस ऑफ इंडिया, बट उनकी भी रिकमेंडेशन अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं मानी है। तो देखते हैं कब तक गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस को मानती है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में रूल किया है कि आप अगर 100% रिजर्वेशन दे देंगे डेट विल बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ जनरल कैंडिडेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है यहाँ पे आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16(4) एम्पावर करता है स्टेट को टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास विच इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। और 16(4) क्या कहता है, ये एम्पावर करता है स्टेट को फॉर मेकिंग द प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन ऑफ टू ST एंड SC एम्प्लॉयज। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि कोर्ट ने ये कहा है नो मैंडमस कैन बी इशूड, मतलब कोर्ट इसमें कोई भी मैंडमस नहीं इशू कर सकता रिगार्डिंग डायरेक्टिंग द स्टेट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। हाउएवर मतलब अगर स्टेट चाहे
तो अपने खुद के डिसीजन से जो है क्वांटिफाइबल डेटा शो करते हुए किसी भी जो जाति जनजाति मीन्स ST ST OBC कोई भी चीज़ें हैं, मतलब कोई भी ट्राइब है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन जो है पब्लिक सर्विस में स्टेट खुद दे सकती है। तो अगर डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन देने का है तो दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द स्टेट हाई कोर्ट एज वेल। तो इसके अलावा आप नेक्स्ट उसमें बात करते हैं 9th शेड्यूल की। तो 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल जो है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में ऐसे प्रोविजंस को रखता है जो कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकते इन एनी कोर्ट। तो ये ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट बाय जवाहरलाल नेहरू, मगर IR कोहलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 9th शेड्यूल इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में प्लेस किया गया तो उस पर दो कंडीशंस लगेंगी कि वेदर इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, अगर येस तो फिर दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि वेदर इट डैमेजेस द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर दोनों ही आंसर अफर्मेटिव हुए तो अल्टीमेटली द लॉ वुड बी नल एंड वॉइड एंड डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। तो अब आप बात करते हैं आर्टिकल 81 की। तो इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है टू नॉमिनेट 12 पर्सन ऑफ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। तो अभी अभी रिसेंट में CJI को नॉमिनेट किया है, तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी था। तो आर्टिकल 124(7) जो है ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज किसी भी कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकता, मगर ये पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट जो है जुडिशरी की इन प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों इन जगहों पर नहीं लागू होता है। अब देखिए चंदना दास मलवार वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू एस्टेब्लिश एंड रन द इंस्टीट्यूशन विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर। तो मतलब पूरी तरीके से जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को एस्टेब्लिश और रन करने की जो बात यहाँ पे की गई है। अब देखिए अनपार्लियामेंट्री स्पीच और कंडक्ट की यहाँ पे बात की गई है। रिसेंट में जो है लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक बुक निकाली है जिसका नाम है अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, जिसका 2004 एडिशन जो है अराउंड 900 पेजेस से ऊपर का जो है उसमें अमेंडमेंट करते हुए निकाली है, जिसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा की जो है ये जिम्मेदारी है टू कीप दोज वर्ड्स आउट ऑफ द रिकॉर्ड अंडर रूल 380 एंड रूल 381 ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्ट। तो आगे बात करते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले इसलिए लाया गया था क्योंकि जो पहले होता था, पहले क्या होता था 1980s के दौर में एक कल्चर था जिसे कहते थे आयाराम गयाराम कल्चर, जिसमें होता क्या था कोएलिशन गवर्नमेंट का टाइम था और कोई भी पार्टी के लोग जो है सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर देते। तो इसी को देखते हुए जो है ये 1/3 का प्रोविजन जो है हटा दिया गया और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में लाया गया टू हैव डिफेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ स्प्लिट एंड मर्जर। तो अब इसमें क्या हुआ, ओनली प्रोटेक्शन किन लोगों को मिले डिस्क्वालिफिकेशन से इफ़ द मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टेक्स प्लेस विद 2/3 ऑफ द मेजर मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द लेजिस्लेचर। तो मतलब कुल मिला के अगर मर्जर होगा 2/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी का तो तब जाकर ही जो है एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट नहीं होगा, अदरवाइज ऑल द मेंबर्स डिफेक्टिंग फ्रॉम द पार्टी वुड बी डिस्क्वालिफाइड। अब देखिए ILP की बात कर लेते हैं, इनर लाइन परमिट की, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, मैं पीछे बात कर चुका हूँ इसके बारे में। तो कोई भी फॉरनर प्रोटेक्टेड एरिया में अगर जाता है तो उसको ILP की ज़रूरत पड़ेगी, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट 1873 में आता है और ILP जो है गवर्नमेंट ने रिसेंट में मेघालय कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दी है अंडर द रेसिडेंट सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट MRSSA 2016। तो ये क्या लीड करेगा, कोई भी नॉन रेसिडेंट अब अगर मेघालय में भी जाता है तो उसे भी ILP की ज़रूरत पड़ेगी। तो ILP सिस्टम मणिपुर में 1 जनवरी 2020 से जो है लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की, जो 2016 से 2013 से हो रहा है और इसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। जो सूरजकुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म इन कोलेबोरेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल एंड कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इसको देखती हैं। तो ये लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर मेला है वर्ल्ड का, ऑर्गेनाइज्ड सिंस 1987 और ये शोकेस करता है रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है सूरजकुंड में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, और फर्स्ट ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली जो है वो होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड कॉरपोरेशन इंडस्ट्री ने विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। तो ये एम क्या करता है, ये एम करता है टू हैव अ ऑर्गेनिक मार्केट एंड एम्पावर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो इसकी थीम क्या है, अनलेशिंग द इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। इंडिया जो है ए 9th लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पे लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी होता है ऑर्गेनिक फूड का, और सिक्किम ही जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है।
अब देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 जो है फर्स्ट एवर उड़ीसा में हुए थे, जिसमें एस्पिरेशनल कॉम्पिटिशन्स हुआ था यूथ के बीच में टू हैव अ बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट एंड एजुकेशन। तो ये लार्जेस्ट एवर कॉम्पिटिशन है, इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। और इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 5 to 8 लाख पर एनम। अब देखिए, आप आईएएस की जो है बहुत सी सीरीज़ चल रही हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। समीक्षा सीरीज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं लगातार, पॉलिटी का पूरा डिस्कशन हो चुका है। अब डेली बेसिस पे एमसीक्यू हमारा जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन चल रहा है, प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच में वो भी चालू है, मैपिंग न्यूज़ जल्दी आ रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज़ जल्दी आ रही है, एडिटोरियल डिस्कशन जल्दी ही आ रहा है, और एथिक्स के जल्दी ही हम लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए टीम आप आईएएस के यूट्यूब चैनल को, और हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देते रहें। तो बने रहिए टीम आप आईएएस के साथ, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल दोज हु हैव मेड दिस टाइम इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। थैंक यू।